नमस्कार, मौर्य हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज मैं विटामिन बी12 की कमी के लगभग 10 लक्षणों के बारे में आपको बताने वाला हूं। उनमें से अगर दो चार लक्षण भी आपको हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है और मुझे इसका इंजेक्शन लेना चाहिए। ज़्यादातर जो IBS के पेशेंट होते हैं उनको विटामिन बी12 की कमी रहती ही है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि आपको क्या क्या लक्षण अगर आ रहे हैं तो आपको डेफिशिएंसी है, आपको इसके मेडिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण है कि आपके मुंह में सलाइवा कम बनेगा, यानी जो थूक है आपके मुंह में, जो थूक बनता है वो बहुत कम बनेगा। ठीक, और जो दूसरा लक्षण है कि आपको वीकनेस होगा, शरीर में आपको कमजोरी महसूस होगी। ठीक है, तीसरा जो लक्षण है आपके पाचन शक्ति यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्लो हो जाता है। ठीक है, चौथा जो लक्षण होता है कि हाथों और पैरों में आपको झनझनाहट महसूस होता है। ठीक है, पांचवा जो लक्षण है आपके याददाश्त में कमी आ जाएगी, आप कोई भी सामान कहीं रख दोगे थोड़ी देर में भूल जाओगे, दो घंटे बाद फिर वापस याद आएगा कि हाँ मैंने उस चीज़ को वहाँ रखा था, इस तरह का कंडीशंस हो जाता है। और जो इसका छठा लक्षण है कि आँखों में आपके धुंधलाहट, यानी बहुत लगेगा हल्का दिखाई दे रहा है और आँखों के नीचे थोड़ा डार्क सर्कल आपको दिखाई देगा, इस तरह के कंडीशंस आ रहे हैं तो भी समझना है कि विटामिन बी12 की डिफिशेंसी है। और जो इस सातवां लक्षण है कि आपके जो हार्ट बीट है यानी जो दिल की धड़कन है वो आपको कभी कम कभी ज़्यादा यानी अनइवन आपको महसूस होगा। ठीक है, और जो आठवां लक्षण है कि भाई खून की कमी, आपको हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। आप जब अपना ब्लड टेस्ट कराओगे तो आप घबरा जाओगे कि मेरा हीमोग्लोबिन कैसे कम हो गया, लो हो जाता है, कई बार बॉर्डर लाइन पे रहता है। जिनको IVS है, जब हम उनका यहाँ पर B12 और D3 दोनों चेक कराते हैं या कई बार हम फुल प्रोफाइल करा देते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन भी लो रहता है तो आदमी घबरा जाता है। बट घबराना नहीं है, अगर हीमोग्लोबिन आपका लो है तो आपको विटामिन बी12 की जब आप डेफिशिएंसी पूरी कर देंगे 100% हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और जो नौवां लक्षण है आपका जो स्किन कलर है भैया, थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा, थोड़ा पीला पीला दिखने लगेगा हल्का। ठीक है, और सबसे बड़ा जो लक्षण है आपकी नींद में कमी होने लगेगी, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स आपको दिखने लगेगी। आपको डिप्रेशन नहीं है, किसी प्रकार का चिंता नहीं है, फिर भी नींद नहीं आ रहा है, फिर आप और परेशान हो जाते हो कि यार मैं तो इतना टेंशन में भी नहीं हूँ फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, गजब है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, मैंने जितने भी लक्षण आपको बताए हैं इनमें से अगर दो चार लक्षण भी आपको मैच करते हैं तो मेरे भाई विटामिन बी12 की आप एक बार रिपोर्ट करवा लो और जाकर अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करो, बोलो मुझे इसके इंजेक्शन लगा के दो। आप जब रिपोर्ट कराओगे तो पता चलेगा कि आपको कितना इंजेक्शन लेना है। ठीक है, उसी हिसाब से डॉक्टर से आपको ये पूरा मेडिकेशन कंप्लीट करना है, 100% ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। दूसरा, IBS को ठीक करना है तो साथ ही साथ हम जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका बी12 भी टेस्ट करवाते हैं, T3 टेस्ट करवाते हैं और ये दोनों पे हम काम करने के बाद अपनी थेरेपी जारी रखते हैं। और इसमें क्या है कि हमें रिजल्ट जो है काफ़ी फास्ट मिल जाता है, क्योंकि एक तो थेरेपी काम कर रही है, अंदर के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर रही है, आपके आँतों की सूजन को ठीक कर रही है, खाया पिया जो नहीं लग रहा था वो धीरे धीरे आपको लगने लगता है। दूसरा, जो विटामिन बी12 की कमी रहेगी तो न्यूरोथेरेपी भी थोड़ा स्लो काम करेगी, और अगर इंजेक्शन लगवाने के बाद आप न्यूरोथेरेपी ले रहे हो बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट आएगा। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो रिपोर्ट कराओ और ट्रीटमेंट कराओ और IBS को जड़ से ख़त्म करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।